हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। सांप किसी मनुष्य को अकारण भी डस ले और वो मर जाए तो सांप को उसकी हत्या का पाप नहीं लगेगा। इसी तरह शेर दूसरे जानवरों की हत्या करता है तो उसे उसके पाप नहीं लगता। या बकरी का उदाहरण लो, बकरी किसी की हत्या नहीं करती, घास फूस खाती है, इस कारण वो पुण्य की भागी नहीं बनती। पाप पुण्य का लेखा जोखा अर्थात प्रारब्ध केवल मनुष्य का बनता है। इसीलिए जब मनुष्य अपने पाप और पुण्य भोग लेता है तो उसे फिर मनुष्य की योनि में भेज दिया जाता है। ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम शीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति एवं त्रिधर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। अर्थात देवों की योनियों में जो मनुष्य होते हैं वो अपने सुख भोग कर स्वर्ग से भी लौट आते हैं। हाँ, और मनुष्य की योनि प्राप्त होने पर फिर कर्म करते हैं और इस तरह सदैव जन्म मृत्यु का कष्ट भोगते रहते हैं। हे मधुसूदन, तुम कहते हो कि सर्वव्यापी परमात्मा की शरण में आओ, परंतु उस परमात्मा का स्वरूप क्या है? मुझे अपना वो स्वरूप बताओ जिसकी पूजा की जाए, क्योंकि संसार में भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करते हैं, क्या वो पाप है? नहीं अर्जुन, पूजा कभी पाप नहीं होती। और जो प्राणी भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करते हैं वो भी वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, क्योंकि इस विश्व के कण कण में मैं ही समाया हुआ हूं। ज्ञानी जन अपने ज्ञान चक्षुओं से मुझे हर जगह हर प्राणी के अंदर देख सकते हैं। हे पार्थ, केवल मनुष्य की योनि में ही किए हुए कर्मों का पाप या पुण्य होता है, क्योंकि यही एक कर्म योनि है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि कोई पशु किसी की हत्या करे तो उसका पाप उसे नहीं लगेगा, और यदि कोई मनुष्य किसी की अकारण हत्या करे तो पाप लगेगा। बिल्कुल ठीक। परंतु ये अंतर क्यों? इसलिए कि पृथ्वी लोक पर समस्त प्राणियों में केवल मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो विवेकशील है, वो अच्छे बुरे की पहचान रखता है। दूसरा कोई भी प्राणी ऐसा नहीं कर सकता।